घर से बुजुर्गों के चले जाने पर घर में कैलेंडर की अहमियत बढ़ गई, वरना उनके दैनिक क्रियाकलापों से ही वार तिथि तीज त्योहार पता चल जाया करते थे। सफर में ऐसा अक्सर होता है, मुश्किल फैसला ही हमेशा बेहतर होता है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर खुद सज्जन नहीं बन सकता। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया, अजीब कहानी है ये जिंदगी का। कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, तूने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा तुझे बचाने के लिए, ताकि तुम जाग जाओ और उड़ सको, ताकि तुम्हारी जान महफूज रहे। इंसान की जिंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमारा परमात्मा हमें किस तरह परेशानी से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी न हो तो रिश्ते क्या भगवान तक बदल दिए जाते हैं। कोई हमारी गलतियाँ निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्ण दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। इंसान को ठंड और घमंड दोनों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही सूरतों में जिस्म अक्सर अकड़ जाता है। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते, और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वे ही श्रेष्ठ होते हैं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। यदि आपका कोई दुश्मन नहीं है तो मतलब ये हुआ कि आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। दुख का कारण श्रेष्ठ कर्मों का अभाव, सुख का कारण श्रेष्ठ कर्मों का प्रभाव, और अशांति का कारण स्वयं का बुरा स्वभाव है।